हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 24 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई मूवी बुलबुल का रिव्यू। चलते हैं कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत होती है 1881 में बंगाल प्रेसिडेंसी में, जहाँ एक 7-8 साल की लड़की बुलबुल की शादी अपने पिता की उम्र के आदमी इंद्रनील ठाकुर यानी बड़े ठाकुर से होती है। उनके परिवार में 4 सदस्य हैं, इंद्रनील ठाकुर यानी बड़े ठाकुर, महेंद्र ठाकुर जो मानसिक रूप से बीमार हैं और हूबहू अपने बड़े भाई के समान ही दिखते हैं, उनकी बीवी विनोदनी और सत्यजीत ठाकुर यानी सत्या। बुलबुल समझती है कि उसकी शादी सत्या से हो रही है क्योंकि सत्या उसके उम्र से 2-3 साल ही बड़ा था। सत्ती के शादी के बाद बुलबुल को हवेली लाया जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी शादी बड़े ठाकुर से हुई है, पर उसका लगाव हमेशा ही सत्या के साथ रहता है। वह सत्या के साथ खेलती है, उससे चुड़ैल की कहानियाँ सुनती है। देखते ही देखते 15 साल बीत जाते हैं। बड़े ठाकुर को सत्या और बुलबुल की दोस्ती अच्छी नहीं लगती, साथ ही विनोदनी भी समय समय पर उनके कान भरती रहती है। इसलिए वो फैसला लेते हैं कि सत्या को वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया जाए। बुलबुल को इससे बहुत दुख होता है, पर करती भी तो क्या। सत्या उसे जाते समय जो कहानी उन दोनों ने लिखना शुरू की थी उसे पूरी खत्म करने के लिए कहता है। बुलबुल काफ़ी दिनों तक दुखी रहती है और सत्या का इंतज़ार करती है, पर एक दिन वो दुखी होकर अपनी कहानी वाली डायरी जला देती है, जिसके आखिरी पन्ने पे सत्या और बुलबुल लिखा हुआ होता है। आखिरी पन्ना जलते हुए बड़े ठाकुर देख लेते हैं और गुस्से में तो वो वैसे भी काफ़ी सालों से थे। आखिरकार आज रात उनका गुस्सा बुलबुल पे कहर बनकर टूटता है। वो बुलबुल की नुकीली रॉड से काफ़ी पिटाई करता है, जिससे उसके पैर टूट जाते हैं और वो बुरी तरह घायल हो जाती है, जिसके बाद उसके इलाज के लिए डॉक्टर सुदीप को बुलाकर बड़े ठाकुर हवेली। जब वो घायल स्थिति में होती है तो महेंद्र उसका फ़ायदा उठाता है और उसका रेप करता है, यहाँ तक कि कुछ पलों के लिए वो मर भी जाती है, पर कोई दिव्य शक्ति उसे वापस जिंदा कर देती है। सुबह जब विनोदनी को पता चलता है तो वह उसका खून साफ करती है और कहती है कि बड़ी हवेलियों में ऐसा होता है, सब कुछ सहना पड़ता है क्योंकि बदले में तुम्हें गहने और मखमली साड़ियाँ मिलती हैं। चाहे आपका पति पागल हो और आपको सब कुछ उसके बड़े भाई के साथ भी करना पड़े। बुलबुल का इलाज डॉक्टर सुदीप करते हैं, जहां उसे भी पता चल जाता है कि उसका रेप हुआ है, पर वो कर भी क्या सकता था। देखते ही देखते 5 साल और बीत जाते हैं और सत्या पढ़ाई पूरी करके हवेली वापस आता है, जहां उसे पता चलता है कि आजकल किसी चुड़ैल का साया उनके गांव में है जो लोगों की जान ले रही है। जब वह अपनी मंझली भाभी विनोदनी से मिलने जाता है तो वो कहती है कि चुड़ैल ने ही महेंद्र की 3 साल पहले जान ली है, पर सत्या को यकीन नहीं। उसे यह काम किसी इंसान का लगता है जो डर फैलाकर लोगों। अगली ही रात वह शिकार के लिए 5-6 लोगों को लेकर, जिसमें मास्टर दिनकर शामिल थे, निकलता है, जहां मास्टर दिनकर को कोई मार देता है। गाँव वाले कहते हैं कि चुड़ैल ने ही मारा होगा। सत्या को डॉक्टर सुदीप पर शक होता है क्योंकि हत्याएं भी जंगल में होती हैं और वह रहता भी जंगल के। उसे डॉक्टर सुदीप का आए दिन हवेली में चले आना और बुलबुल से बातें करना भी पसंद नहीं था। वह बुलबुल को बोलता है कि उसे यह पसंद नहीं और वो बड़े ठाकुर यानी इंद्रनील को सारी स्थिति के बारे में चिट्ठी लिख चुका है, जिस पर बुलबुल हंसती है और बोलती है कि तुम सब ठाकुर एक से हो। इसी बीच गांव में एक और आदमी की हत्या हो जाती है। एक छोटी बच्ची उस हत्या की गवाह होती है, जो यह बताती है कि काली माँ ने उस आदमी। उसके बाद सत्या डॉक्टर सुदीप को पकड़ लेता है और बोलता है कि अब उसे तहसील चलना ही होगा क्योंकि सारी हत्याओं के पीछे वो ही है। इतने में रात हो जाती है और उनकी घोड़ा गाड़ी जंगल में गुजर रही होती। उनकी घुड़सवार को वह चुड़ैल मार डालती है, जिससे सत्या को भी पता चल जाता है कि डॉक्टर सुदीप यह सब नहीं कर रहा। तभी उसे एक औरत दिखाई देती है, वह उस पर गोली चला देता है। वह औरत चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। सत्या उसका पीछा करने चला जाता है, तभी डॉक्टर सुदीप को चुड़ैल दिखाई देती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि बुलबुल ही होती है। बुलबुल बचपन से ही पेड़ों पर तेज चल लेती थी। बड़े ठाकुर की मार की वजह से वैसे ही उसके पैर की मांसपेशियां लचीली हो गई थी,
जिस वजह से उसके पैर भी उल्टे हो गए थे। और अब वह सिर्फ उन्हीं पुरुषों को मारती थी जो औरतों पर अत्याचार करते थे। उसका पहला शिकार महेंद्र ठाकुर, जिसने उसका घायल अवस्था में बलात्कार किया था। उसका दूसरा शिकार होता है मास्टर दिनकर, जो अपनी बीवी को आए दिन मारता था। उसका तीसरा शिकार गांव का एक बूढ़ा आदमी था, जो 7-8 साल की बच्चियों का रेप कर रहा होता था। उसका चौथा शिकार हवेली में उनका रथ चालक, जो दूसरी शादी कर लेता है और आए दिन पहली पत्नी को पीटता था, जिससे दुखी होकर वो आत्महत्या कर लेती है। जब डॉक्टर सुदीप को पता चल जाता है कि बुलबुल ही चुड़ैल बनकर लोगों को मार रही है, तो वह सत्या को उसे मारने से रोकता है। और इसी बीच सत्या और डॉक्टर सुदीप की झड़प के कारण पूरे जंगल में आग लग जाती है, जिसमें जलकर बुलबुल मर जाती है। और सत्या खुश होता है कि आखिरकार उसने चुड़ैल को मार ही दिया। डॉक्टर सुदीप उसे दुखी होकर सारी बातें बताता है कि कैसे बुलबुल के ऊपर उसके बड़े भाई ने कितनी जातियां की थी और महेंद्र ठाकुर ने कैसे उसका बलात्कार किया था, और इसके बाद ही बुलबुल इन अन्यायी और अत्याचारी पुरुषों को ख़त्म करने का सिलसिला स्टार्ट करती है, जिससे सत्या को बहुत दुख होता है। वह एक चिट्ठी लिखकर बड़े ठाकुर को यह बताता है कि वह हमेशा के लिए जा रहा है, क्योंकि वह उनके जैसा नहीं बनना चाहता। और फिर 1 साल बाद बड़े ठाकुर वापस अपनी वीरान हवेली में रहने आते हैं, जहां उन्हें पहली ही रात किसी के गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई देती है, और वह कोई और नहीं होती बल्कि बुलबुल ही होती है, जो मरने के बाद अपना बदला लेने आई है, और इस बार एक चुड़ैल बन के। और यही कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें, और साथ में यह भी बताएं कि अगली मूवी या सीरीज आप कौन सी सुनना पसंद करेंगे। साथ ही लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।